Assalamualaikum viewers, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का न्यूज बॉय के चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक इंसिडेंट के बारे में जो कि एक कश्मीरी के साथ बीता है जो कि पंजाब फिरोजपुर में काम करने जाता था। आप लोगों को पता ही है कि कश्मीर के ज्यादातर लोग जो कि हिंदवाड़ा साइड से रहते हैं वो शालस वगैरह बेचते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से फिर घर वाले को पैसा भेजते हैं, जिसकी वजह से उसके घर वाले यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि एक शाल भेजने वाला जो कि उसके घर वालों के मुताबिक हर साल जाता था पंजाब, वहाँ पे शाल बेचता था और कल अचानक एक खबर वहाँ से वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि कल से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जहाँ पे उसके साथ जो लोग गए हुए थे, जो बाकी गए हुए थे हंदवाड़ा से, तो मैं आपको बोल दूँ पहले उसका नाम था मुश्ताक अहमद जो कि हंदवाड़ा से रहने वाला था। तो उसके जो कुलीग्स थे उन्होंने वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली कि हमारा एक बंदा ऐसे गायब है। तो वहाँ पे फिर जब सुबह देखा गया तो उसकी लाश वहाँ पे मिली। घर वालों का कहना है कि एक मर्डर है और चेयरमैन सज्जाद लोन ने भी कहा है कि इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए और इस बारे में छानबीन होनी चाहिए कि वहाँ पे आखिर ये कैसे हुआ। पहले तो बंदा गायब हुआ और उसके बाद उसकी लाश सुबह हमें मिली। सो वहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द हमें मुलजिम को पकड़ कर दे दें। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।